मुनव्वर, वैसे तो आप स्टेज पे बहुत परफॉर्म करते हैं जी, है ना, ये तो आपके लिए एक प्लेग्राउंड ही है, लेकिन ये आज पहली बार लॉकअप के स्टेज में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है और पहली बार तो नहीं है लॉकअप। आया हूँ अपनी बात रखने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कि लोग देखते कि इसको कोई देखे ना तो मैं 24/7 दिखूंगा शायद, और आपके होने की वजह से शायद बॉयकॉट भी नहीं होगा। बट उन्होंने मुझे जैसे ही कॉन्सेप्ट बताया कि ये लॉकअप कॉन्सेप्ट है, तो मैं काफी एक्साइटेड हुआ कि पुलिस वैन से तो मैं जा चुका हूँ एक बार लॉकअप, वैनिटी वैन से कभी नहीं गया। सुनील जी, आप क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उनको जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। अच्छा, जी मैं भी जानता हूँ। आप भी जानते हैं? जी, टीवी था हमारे। क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? जैसे कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ सुथरा ही सब कुछ बनने लगा तो शायद ऑल्ट वाला जी। इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा, आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया? मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेकिन वो दिखता है। पूरा दिखता है। दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है। नहीं, 80% तो नहीं है, 80% है। नहीं, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ। मुनव्वर, आप कुछ ही क्षणों पहले कंगना ये कह रहे थे कि इनके 128 कुछ व्यूज आ गए, मिलियन व्यूज होंगे, लाखों व्यूज होंगे, राइट? मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जी, जाते हो या नहीं जाते? जी जी जाता हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? है और देर आर टू काइंड ऑफ कॉमेडियंस, एक तो एक कॉमेडियन होते हैं, एक एडल्ट कॉमेडियन होते हैं। सही बात है ना, तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा? या मॉडर्न स्टैंड अप, कि हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए। हाँ सर, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो डिसाइड करने के लिए जनता नहीं, तो आप जिसके लिए कर रहे हैं। जी सर, तो समाज में मैं भी आता हूँ ना। हाँ तो सर, तो डिसाइड कर सकता हूँ। हाँ सर, आप मेरे लिए, आप अपने लिए डिसाइड करिए, आपको नहीं पसंद, आपको वल्गर आप लगता है। एक प्रश्न पूछे, कहा जाता है डॉग बाइट्स मैन नो न्यूज, मैन बाइट्स डॉग बिग न्यूज, सडनली हर आदमी देखने लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तक कोई इंसल्टेड नहीं होगा क्या तब तक कॉमेडी नहीं होती है? क्या आज की डेट में मशहूर कॉमेडी का क्या ये सिस्टम है क्या? 10 साल पहले भी ये सब होता था, 10 साल पहले भी इस तरह के जोक बनते थे। अगर ट्विटर और ओपिनियन उस वक्त उतने स्ट्रॉन्ग होते ना तो ये लोग भी कहीं ना कहीं फंसे होते उस वक्त। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल, कॉमेडी का किंग कहते हैं। तो आपको हक है कि आप कंगना जी के भी खिलाफ बोलें, आपको हक है आप हमारे भी खिलाफ बोलें, लेकिन हम अगर कुछ बोलें कुछ तो आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे असॉल्ट है। ये तो बड़ा विरोधाभास वाली बात है। सर, मैंने आज तक ऐसे नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है और आप लोग मेरे पे इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हो, मैंने आज तक नहीं बोला है। जिन्होंने मुझ पर केस करा उनका भी नाम मैंने कभी नहीं लिया। तो पहली बात ये कि बिल्कुल एक लॉ है, अगर आपको कुछ ऑफेंड करती है तो इसके लिए लॉ है, आप जाइए कोर्ट में, ये वो। आप किसी को मारने की धमकी मत दीजिए ईमेल पे, आप मेरे को धमकियां मत दीजिए मेल पे, कमेंट में, सेक्शन में, इसमें उसमें। मेरे शोज कैंसिल मत कराइए ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कि तेरा सेट हम जला देंगे, तेरा ऑडिटोरियम जला देंगे, उससे प्रॉब्लम है सर, FIR से प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपकी कॉन्वर्सेशन में इतनी बारी कि इतने सारे लाइक्स हैं, इतने सारे ये हैं, आपका मकसद क्या है? कॉमेडी से चेंज करना है कुछ या नहीं, सिर्फ लाइक्स? नहीं, मुझे कॉमेडी से कुछ चेंज नहीं करना है, कलाकार क्रांति नहीं ला पाया आज तक, हिस्ट्री उठा के देख लो। मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना। अरे अरे जी, अरे जी, क्या कहा आपने? कलाकार क्रांति नहीं ला पाया। मैं मेरे दिमाग में, अगर यहाँ पे सजाए मौत होती तो शायद इनको दे दी जाती। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, क्रांति लाने कलाकार क्रांति ही लाते हैं, कला का मकसद ही ये होता है, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, चाहे
जब बेइज्जती। मुझे सिर्फ यही कहना है कि इन्हीं पर किन केस होते हैं, 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी किया है, मैंने बच्चन साहब के सामने भी किया, उन्हीं की नकल की, उन्हीं की बातें की, मुझे अप्रिशिएशन मिला, तालियां मिली, इनको जेल क्यों मिल जाती है? अमिताभ बच्चन सर के भक्त नहीं थे ना इसलिए। मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ, तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ।